सो हाई फेलोअर्स चेंगोल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंड अगर आपके पास ये नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक्चुअली आप लोग काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एंड इतने टाइम से जो आपने टाइम देके इतने मंथ से अपने आईडी को इतना अच्छा किया है, उसमें काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की, उसको कॉन्करर एस पहुँचाया है, वो सब चीज़ें आप लोग जस्ट एक सेकेंड में खो सकते हो। क्योंकि ये गलती करते समय शायद आप लोग को ये चीज़ पता भी नहीं लगेगी कि आप लोग कोई चीज़ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो सो डेट आप लोग समझ पाओ। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती है 10,000 लाइक का एम कर देना। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। लेट्स बिगिन। सो गाइस, इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे 2 सितंबर को PUBG Mobile को ऑफिशियल इंडिया के अंदर बैन कर दिया, जो कि एक काफी बोल्ड डिसीजन था गवर्नमेंट का चाइना के अगेंस्ट। बट वो काफी ज्यादा गेमर्स, हमारे जैसे आपके जैसे गेमर्स के लिए शॉकिंग डिसीजन था, जिसने काफी ज्यादा गेमर्स को शॉक कर दिया। एंड उसी टाइम से, मतलब 2 सितंबर से अभी तक हम लोग की स्पेकुलेशंस आ रही है वहां से कि यहां पे PUBG Mobile का एक इंडियन वर्जन आ सकता है या फिर उसकी जियो के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। जियो के साथ कोलैबोरेशन को साइड पे रखो, इंडियन वर्जन के ऊपर आओ। एंड बेसिकली ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जिससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि क्या चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, एक इस टाइप का एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा आजकल आ रहा है। अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी किसी भी वीडियो को खोलोगे PUBG से रिलेटेड या गेमिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोग खोलते हो, तो आपको एक इस टाइप का मैसेज आपको पॉपअप होता हुआ दिखेगा। एंड बेसिकली ये एक मैसेज नहीं है, ये गूगल एडवर्ट के थ्रू किया गया एड है, जो कि एडवर्टीजमेंट हो रही है। जो कि एक्चुअल में आप लोग अगर देखो तो आपको ये चीज देखने में ऐसी लगेगी कि यहाँ पे PUBG Mobile ने ऑफिशियली कोई एड लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग इसके लोगो को देखोगे तो बेसिकली लोगो बिल्कुल ऐसा लग रहा है PUBG Mobile का। आप लोग ऊपर की तरफ देखो तो PUBG Mobile की फोटो लगी हुई है वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो चीज मैं पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा क्या है कि आप लोगों को जो अपने अकाउंट है उसको इंडियन वर्जन के साथ लिंक कर लो, एंड उसके बाद आप लोग को अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी कुछ भी हो सकता है, गन्स स्किन वगैरह वगैरह, शायद आप लोग खुश हो रहे हो चीज सोच के कि वाओ यार अलग से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, बट एक्चुअली ये चीज स्कैम है सीरियसली। बिकॉज अभी तक इंडिया का, मतलब ये तो आप छोड़ोगे इंडियन वर्जन आने वाला है वो तो बहुत ही दूर की बात होगी, अभी तक PUBG वाले कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दिया कि उनकी जियो से कोलैबोरेशन होगी या वो इंडियन वर्जन लेके आने वाले हैं। ठीक है, उनकी जस्ट एक ही आई थी कि वो लोग अपनी जो उनकी मे बी कुछ अभी 2-3 हफ्ते पहले एक आई थी स्टेटमेंट, जबकि टेंशन के साथ उनकी कोलैबोरेशन टूटने वाली है। एंड वो लोग अपनी ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट से, जो भी मैं लोगों ने वीडियो से मैं बनाया था अभी याद नहीं मुझे इतनी अच्छी तरीके से। सो बेसिकली सिर्फ एक ही अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ही आई है, जो कि उन लोगों ने तब 2 सितंबर को PUBG Mobile को बैन किया था। उसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है। एंड बेसिकली ये एड के बारे में मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में ये एड बहुत ज्यादा रियल लगता है देखने में PUBG Mobile के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट की तरह। एंड यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग एड देख के मतलब धोखा खाओगे, अभी बेसिकली यहां पे क्या है, नीचे की तरफ यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है गो का। एंड ये लोग बोल रहे हैं आप लोग गो पे जाओ एंड वहां पे अपने अकाउंट को लिंक करो इंडियन वर्जन से। लिंक का क्या मतलब है, जिससे भी आप लोगों ने अपने अकाउंट को लॉग इन किया हुआ है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे जाओ, उससे लॉग इन करो अपने अकाउंट को। एंड आप लोग लॉग इन करोगे उनके पास आपके अकाउंट का एक्सेस चला जाएगा बेसिकली। एंड काफी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में इसकी नॉलेज ही नहीं होगी, जिनको पता नहीं होगा, सोचेंगे चलो भाई इंडियन वर्जन आ गया, उनको नॉलेज ही नहीं होगी। एंड काफी ज्यादा लोग होंगे जो छोटी एज के होंगे जो कि ये चीज गलती करेंगे। एंड बेसिकली आप लोगों ने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अगर अपना अकाउंट लॉग इन कर दिया, काम खत्म, बिल्कुल, तो आपका अकाउंट गया उसी टाइम पे, बेसिकली उनको एक्सेस मिल जाएगा, आपके अकाउंट का पासवर्ड एंड आईडी दोनों मिल जाएगा। एंड उसके बाद वो लोग शिफ्ट कर लेंगे आपके अकाउंट को किसी और पे या फिर ट्विटर पे या फिर उसको लिंक कर लेंगे किसी और चीज़ से, एंड आपका अकाउंट गया सीरियसली मैन। तो ये चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए था। एंड यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। एंड अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि इंडियन वर्जन आ रहा है वगैरह वगैरह, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्यों, पहली बात तो आ कैसे रही है यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज गूगल एडवर्ड्स से जो भी ऐड को हम लोग करते हैं वो पहले गूगल खुद एक बार रिव्यू करता है एंड उसके बाद वो एड्स जो भी होते हैं वो आते हैं किसी भी वीडियोस के ऊपर। सो आई डोंट नो कि ये वाले जो एडवर्टीजमेंट है पहली बात तो आ ही कैसे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मतलब किस तरीके से रिव्यू किया गया है। एंड आई डोंट नो कि ये रियल है या फेक है, वैसे ही 99% रियल ही है, बट मैं 100% नहीं कह सकता, आई डोंट नो, क्योंकि अभी कोई ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऑफिशियल चाहिए कि इंडियन वर्जन आ रहा है, पहली बात तो चैनल पे आपको मिली जाएगी, नो डाउट आपको यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग कि PUBG Mobile का ऑफिशियल वर्जन कब आ रहा है वगैरह वगैरह, जैसे ही आती है ऑफिशियल। एंड अगर आप लोग और भी चाहते हो जल्दी, तो यार आप लोग PUBG Mobile का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड देख सकते हो, जो भी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है PUBG Mobile की वहां पे जाके देख सकते हो, सिर्फ वही ऑफिशियल सोर्सेज है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। इसी टाइप से काफी ज्यादा और भी चीजें आ रही थी, जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा फौजी गेम के रिगार्डिंग भी आ रहा था कि फौजी गेम जो है, फौजी गेम आ चुकी है डाउनलोड कर लो, पर बेसिकली जो ऑफिशियल कंपनी है एनकोर गेम, जो भी फौजी गेम को डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक गेम को रिलीज ही नहीं किया। एंड यहां पे गूगल प्ले स्टोर के एड्स आने स्टार्ट हो गए कि फौजी गेम को डाउनलोड कर लो, तो यार ये चीज मतलब
स्कैम है पूरा एंड आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो बेसिकली मुझे बताना ज़रूरी लगा। एंड आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जो इन पे मतलब ऐड देखने के बाद मतलब करने वाले थे क्लिक या फिर वो गलती करने वाले थे, आई होप अब वो चीज़ नहीं होगी। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, 10,000 लाइक का एम है, मेक श्योर कंप्लीट कराओ एंड मेक श्योर करो कि अपने ये फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो डैट उनको भी पता लग पाए कि भाई ये सीरियसली चीज़ चल क्या रही है एंड आप लोग किस तरीके से इससे बच सकते हो। एंड जस्ट आपने बचने के लिए एक ही चीज़ करनी है कि किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक ना करो, एंड क्लिक हो भी जाए ना तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने लिंक नहीं करना, मतलब एक्सेस नहीं देना, वहां पे लॉगिन नहीं करना अपने पबजी वर्ल्ड के अकाउंट को। एंड उसके बाद सब कुछ सही है एंड तब तक आप लोगों की आईडी सही है जब तक आप लोग ऐसी कोई चीज नहीं करते हो। एंड गाइस अगर आप लोग क्रिकेट के काफी बड़े फैन हो एंड इस आईपीएल के टाइम में आप लोग काफी अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, तो 1xbet पे आप लोग अपना लक ट्राई कर सकते हो जाके। एंड वहां पे काफी अच्छे अच्छे टाइप के मैचेस चलते रहते हैं जहां पे आप लोग अपनी फेवरेट टीम के ऊपर खेल सकते हो एंड फैंटेसी टीम्स भी बना सकते हो, जिससे काफी ज्यादा आप लोग पैसे जीत सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, वहां पे जस्ट लॉग इन करने के आपको 8,000 रुपीज कैश बोनस मिलता है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो ये काफी बड़ी बात है। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर वहां से जाके ज्वाइन करो एंड यूज करो स्टैंगो कोड फॉर 8,000 रुपीज कैश बोनस। फिलहाल अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेक श्योर 10,000 लाइक का एम है कंप्लीट करा दो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो डैट उनको भी इसके बारे में पता लगे, अदरवाइज गलती किसी से भी हो सकती है। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय।